वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम रियलिटी बस, इन विच वी विल टॉक अबाउट टेलीटाउन। गाइस, एज यू ऑल नो, बीटाउन की दुनिया में सारा खेल है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, और टेलीटाउन की दुनिया में सारा खेल है टीआरपी रेटिंग्स का। एज यू ऑल नो, टीआरपी के लिए छोटे पर्दे के सीरियल्स में एक रेस लगी रहती है, जिसमें हर कोई बाजी मारना चाहता है। फिलहाल बाजी मारने की कोशिश में तो कपिल शर्मा भी लगे थे, बाजी मारने के लिए मेहनत मशक्कत तो कॉमेडी किंग भी कर रहे थे, मगर अफसोस कपिल के केस में मेहनत पड़ गई है उल्टी, क्योंकि कपिल शर्मा का शो द कपिल शर्मा शो टीआरपी रेस के टॉप 10 से बाहर हो गया है। भाई, हमने तो पहले ही कहा था, अगर कपिल ने अपने जोक्स पर लगाम नहीं लगाई तो टीआरपी रेटिंग्स धड़ल्ले से गिर जाएगी। जिसका डर था वही हुआ है, द कपिल शर्मा शो की टीआरपी बुरी तरह से गिर गई है। और जानते हैं कपिल पर भारी कौन पड़ा है? कोई और नहीं बल्कि सलमान खान। कैसे, ये जानने के लिए आपको नजर डालनी होगी हमारी रिपोर्ट पर। देखिए जरा, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जो बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं, 11 दिसंबर से छुट्टी पर जा रहे हैं। 11 दिसंबर से कपिल का पूरा समय सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी गिनी का होने वाला है। जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक कपिल काम से ब्रेक लेने की तैयारी कर चुके हैं, और अब 11 दिसंबर से पहले कपिल की छुट्टी का असर द कपिल शर्मा शो की टीआरपी पर ना पड़े, इसलिए कपिल शर्मा काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एपिसोड्स की शूटिंग कर रही हैं। इन सबके बीच में कपिल शर्मा को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। पिता बनने से पहले ही कपिल को एक बड़ा झटका लग गया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कपिल को झटका उन्हीं से लगा है जिन्होंने कपिल शर्मा को दोबारा बनाया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, एक वक्त पर कपिल शर्मा पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। कपिल को लेकर कोई भी अच्छी खबर सुनने में नहीं आ रही थी। चारों तरफ से कपिल शर्मा को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। चारों तरफ से कपिल शर्मा को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों के बीच में सलमान खान ने कपिल को सहारा दिया, कपिल पर एक बार फिर से दाव लगाया, और इन सबके बाद द कपिल शर्मा शो की शुरुआत हुई। लेकिन फिलहाल उन्हीं सलमान खान ने कपिल शर्मा शो को दे दी है कड़ी टक्कर। आ गई है टीआरपी रेटिंग लिस्ट, और टीआरपी रेटिंग लिस्ट में सलमान खान का शो बिग बॉस तो पहुंच गया है ऊपर, लेकिन कपिल शर्मा हो गए हैं टॉप 10 से बाहर। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, द कपिल शर्मा का शो जो है वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। कपिल शर्मा के शो की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीचे गिर गई है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आपको बता दें, टॉप 10 से कपिल शर्मा के बाहर होते ही बिग बॉस सीजन 13 ऊपर आ गया है। जी हाँ, सलमान खान का ये जो शो है ये 8th पोजीशन पर है, और कपिल शर्मा के शो का कोई ठिकाना नहीं है। ये कपिल के लिए यकीनन एक बुरी खबर है, क्योंकि छुट्टी पर जाने से पहले भी जो कपिल शर्मा मेहनत मशक्कत करके पूरी तरह से लगे हुए हैं लोगों को एंटरटेन करने में, फिलहाल सलमान खान ने उन्हें बता दिया है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन टीआरपी के मामले में, एंटरटेनमेंट के मामले में और होस्टिंग के मामले में सल्लू मियां से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। मतलब सलमान खान तो होस्टिंग के गॉड फादर हैं, कपिल को पीछे करके उन्होंने यकीनन इस बार ये साबित कर दिया है हु इज़ द रियल बॉस एक्चुअली। पिता बनने से पहले कपिल को टीआरपी रेटिंग के हिसाब से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सलमान आगे निकल गए हैं, कपिल की कॉमिक टाइमिंग ज़रा पीछे चली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, इस हफ्ते कपिल का सितारा नहीं चमका। जहां तक हमें उम्मीद है, अगले हफ्ते कपिल शर्मा कुछ ना कुछ धमाका टीआरपी रेटिंग लिस्ट में जरूर करेंगे। दोस्तों, मुसीबत तो आई है कपिल शर्मा पर,
अब पिता बनने वाले हैं, उस खूबसूरत टाइम को एंजॉय करें या गिरती हुई टीआरपी रेटिंग्स की टेंशन लें। खैर, टेंशन से याद आया, टेंशन तो ना तो कपिल लेते हैं ना ही उनके सेट पर कोई और, क्योंकि शो का थीम है हंसना और हंसाना, तो शो खत्म हो जाने के बाद भी ये सिर्फ हंसते और हंसाते हैं। एक ऑफसेट वीडियो है द कपिल शर्मा शो के सेट का, जिसे जज अर्चना पूरन सिंह ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। अर्चना पूरन सिंह द्वारा शेयर किए गए इस खूबसूरत से वीडियो में पूरी स्टार कास्ट जमकर मौज मस्ती कर रही है, धमाल मचा रही है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में, टेक अ लुक। द कपिल शर्मा शो के कॉमेडी की क्या ही कहें, संजय दत्त, कृति सेनन और आशुतोष गोवारीकर अपनी फिल्म पानीपत के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो पर पहुंचे और अर्चना पूरन सिंह ने शो के सेट का अब एक वीडियो शेयर कर दिया है। इस वीडियो में अर्चना फैंस को बता रही हैं कि शूटिंग खत्म हो चुकी है, सभी लोग घर जा रहे हैं। वीडियो में अर्चना कई बार ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि शो का शूट तो खत्म लेकिन उनकी नहीं हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शूटिंग खत्म होने के बाद स्टार कास्ट स्टेज पर मौजूद है। कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह, कपिल शर्मा, कीकू शारदा स्टेज पर हैं, फोटो ये लोग क्लिक करा रहे हैं। तभी अचानक संजू बाबा बनकर कृष्णा अभिषेक कैमरे के सामने आकर संजय दत्त की नकल करते हैं। कॉमेडियन भारती सिंह यहां पर रोती हुई नजर आ रही हैं। अर्चना पूरन सिंह ने जिस वीडियो को शेयर किया है, आप भी देखिए जरा। So we packed up and everybody's going home. Today Kriti and Ashutosh Gavarikar, Sanju has just left and Kriti's still here. We're all chatting and saying bye. Audience is leaving. Hey Kicks! Yes. Sure. Please, let's take a photograph. Yeah. Come. So we're taking a photograph. Are you here? Welcome China Land and Mumbai, actually. Okay. Okay, then go. Thank you, Geeks. Thank you. Welcome. So the QSA's everyone. Krishna and Sanju Baba. QP. शूटिंग चालू है, हम लोग की बाबा आई है। हाँ। बाबा मतलब मैं आया हूँ। हाँ। कैसा है बाबा, कैसा है? सिर्फ अर्चना का मजा आया शो को। भाई क्यों करे भाई स्टेज पे? बीच में कहाँ से तू? ये डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर है। ये आ गई, ये इसको पहचान लो। हाँ, गौर से पहचानो। क्या डांसर है? हमारी बैक डांसर। क्या नजर नहीं आता जब मैं जल्दी 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 भाई नाराज हो गई मेरी उर्मिला मटोंकर। चलिए चलिए, कम ऑन कम ऑन, फास्ट। चलिए एवरीबॉडी क्लियर फील। ओके थैंक यू। क्लियर फील बोल रहे हैं, वी हैव टू गो नाउ। ऑडियंस की जगह बिल्कुल खाली हो गई है, यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लग रही है। डांस की वजह से ग्लिटर। सिक्स फाइव फोर थ्री क्लियर फील। क्लियर फील, हमारा शूट अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, खत्म मैच बाकी है। चलो जी। तो गाइस, रियलिटी बज में आज के लिए इतना ही। सलमान खान ने किस तरह कपिल शर्मा को टीआरपी रेस में मात देकर पीछे कर दिया है, खुद बिग बॉस को लेकर आगे बढ़ गए हैं और टीआरपी गिरने के बाद भी शो की टीम किस तरह से मस्ती मजाक कर रही है वो हमने आपको बताया। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का।
फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।